चलो, अरे जल्दी चलो। रोहित, मैंने जादू से चश्मे मंगाए तो मेरे घुटने खराब हो गए। तुम्हारे पहचान में कोई डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सके? बस अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन ना जादू मत करना, आप शायद बच सकते हो। सही कहा तुमने रोहित, अब कुछ भी हो जाए मैं जादू नहीं यूज करूंगा, नहीं करूंगा। वेरी गुड। चाचा हट जाओ, चाचा हट जाओ, चाचा। अरे बॉस भागो, संभालो चाचा। अरे ऑटो, दिखने में 60 साल के बुड्ढे और ताकत 16 साल के बच्चे जैसी, और ड्रेस स्कूल के बच्चों जैसी पहन के रखी है। क्या बात है चाचा जी, क्या बात। मान गए चाचा, मान गए। इसी खुशी में मैं आपको अपना एक एप्पल खिलाता हूँ, लीजिए चाचा। चल बसंती चल। मोंटू बॉस, आपको कितनी बार कहा कि जादू यूज मत करना मत करना, फिर भी क्यों किया? अगर मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करता तो वो हाथ गाड़ी मुझे ठोक देती। पर तुम वो सब छोड़ो, ये देखो मेरे ऊपर जादू का कोई असर ही नहीं हुआ, मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। हाँ मोंटू बॉस, लगता है उस जादू का उल्टा असर आप पे नहीं हो रहा है। मेरे दांत टूट गए। अरे छोड़ो मुझे, अब तो छोड़ने ही वाला हूँ। बालवीर बचाओ। चल। अरे बचाओ मुझे। बालवीर बचाओ। बालवीर बचाओ। बालवीर बचाओ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, नहीं जाना। मैं मानो को कुछ नहीं होने दे सकता। बालवीर बचाओ मुझे। मुझे मानो को बचाना होगा। किताब, किताब, उस किताब में से मुझे आखिरी मंत्र जल्द से जल्द पढ़ना होगा। जल्दी। बालवीर बचाओ। चल। मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या मंत्र है ये अक्षर तो उल्टे लिखे हुए हैं। यानी मैं इन्हें शीशे में देखूंगा तो मुझे सीधे दिखाई देंगे। शीशा, यार शीशा कहाँ मिलेगा? बावीर, बचा मुझे। माना, क्या करूं? शीशा। भर जाता है बुराई का झोला, तब उतर जाता है बुराई का झोला। अरे छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो। पर कैद हो जाता है जादूगर सिंबोला। ये हो गया ये मंत्र पूरा, अब सिंबोला होगा कैद और उसका बुरा सपना रह जाएगा अधूरा। Ah!
बेटा रोहित थोड़ा पानी और पिला दो। चुप रे, इस उम्र में इतना ज्यादा पानी नहीं पीने का रहता है। अच्छा चलो चलो एक घूट पी लो। अबे बेवकूफ मोंटू बॉस, आप ना बुड्ढे से वापस हाथी बन गए। अब मेरे कहने का मतलब है आप बुड्ढे से वापस मोंटू बॉस बन गए। अरे हाँ, ए, ए, हाँ, ए, ए, हाँ मैं मोंटू बन गया। रानी परी, बाल परी को होश आ गया। बाल परी, आप ठीक तो है ना बाल परी? बालवीर, बालवीर आप ठीक तो हैं? हाँ भटकाती परी, मैं ठीक हूँ। जिम्बोला अपनी बुराई की कहानी को सच मान के बैठा था, लेकिन उसे नहीं पता कि सच्चाई और अच्छाई के सामने बुराई की कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती। संभल के बालवीर। बालवीर तुम ठीक तो हो ना? ये लो तुम्हारा जादुई डन। शुक्रिया मां। और बालवीर, भटकाती परी, मुझे माफ करना माना, भटकाती परी ने तुम पर जादू किया है। अब कुछ पल बाद तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बालवीर, ये सब हम बच्चों की भलाई के लिए ही तो करते हैं, ताकि इनके मन में बुरे लोग और उनकी बुरी यादें कभी भी ना रहे। जी भटकाती परी, भटकाती परी, अब आप जल्द से जल्द ये किताब लेकर परी लोग जाइए और मेहमानों को लेकर उसके घर पृथ्वी लोग जाता हूँ। जी चलो मानो। अरे कोई 20,000 वाले बटलर को भेजो। मानव, मानव बेटा तू आ गया, कितनी देर लगा दी आने में, कहाँ रह गया था? अरे बता ना कहाँ रह गया था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं तो मेहर के साथ था ना। हाँ 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 मानव, तुम मेहर के साथ ही थे, लेकिन फिर तुझे याद आया कि हमें नई नोटबुक लेने जाना है, तो तू मेरे साथ नई नोटबुक लेने के लिए चला गया। ये देख। उसे कैसे? मैं मेहर के साथ था और फिर बल्लू के साथ वापस आया। मेहर देखना ही कितना उदास हो गया, इसको थोड़ा खुश करना। हाँ अभी करती हूँ। बल्लू सुन। मानव अपने उदास चेहरे पे खुशी ला, क्योंकि अब हम अपने पुराने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। पुराने नए घर में मतलब? मतलब हमारा जो पुराना घर था ना, वो रेनोवेट हो रहा है और हम 15 दिनों में वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। चलो खुश हो जा वरना पीट दूंगी। आइए, आपकी न्यूली रेनोवेटेड हाउस में आपका स्वागत है।
वैसे आप लोग अपने नए लुक में काफी अच्छे लग रहे हैं, वेरी स्मार्ट। माया दीदी, ये नया लुक हमें दादी बुआ ने दिया है। हाँ, और उनका कहना है आप सब नए घर में जा रहे हो तो नया लुक भी तो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मम्मी है और मम्मी है। वाह माया जी वाह, आपने तो पूरे घर की काया ही पलट दी। बहुत सुंदर घर बनाया है, वो भी इतने कम पैसों में। थैंक यू सो मच। सच कहती हूँ वो। ए माया बेटा, वैसे तो ये सब माया है, पर जीवन में से माया निकल जाए तो सब दुखों की साया है। बढ़िया काम किया है, अब जैसे तय हुआ था आपकी फीस आप ले लीजिए। हाँ, पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? नहीं ग्रैंडपा, 2 लाख नहीं, 20 लाख। 20 लाख की बात करती है हमारी। 20 लाख? हाँ, 20 लाख? नहीं माया बेटा, हमारी तो 2 लाख की बात हुई थी और तुमने बिल पे भी 2 लाख रुपए ही लिखे। हाँ, ये देखो बिल। ला, ये देखिए आपका लिखा हुआ बिल है, ये देखिए। ग्रैंडपा, मैंने बिल पे भी 20 लाख ही लिखा था, पता नहीं ये 2 लाख कैसे हो गया। लगता है किसी ने लास्ट वाला 0 मिटा दिया है। हाँ देखिए देखिए, पानी डालकर शायद किसी ने लास्ट वाला 0 मिटा दिया। अरे इसमें पानी कैसे आ सकता है? तो इस पर भी पानी गिर गया। 2 लाख? 2 लाख में हमारे घर का रिनोवेशन हो जाएगा। याद आ गया, हंसा के घर पे, वो हनी के घर पे एसी में से पानी टपक रहा था, उसकी बूंदे इसके ऊपर गिरी होगी और 1-0 मिट गया होगा, इसीलिए 20 लाख के 2 लाख हो गए हैं। ग्रैंडपा, मुझे ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। माया ने ये बिल बड़े दिल से बनाया है, ये मनी तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, बाकी सब तो माया है, ये बिल, ये मनी। नहीं माया जी, लेकिन ये 18 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? कहीं से भी लाइए, who cares? बाकी सब तो माया है। देखो माया बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम ही बताओ कि ये पैसे हम कैसे चुकाएं? Okay, if you insist, I have a solution. अगर आप सब लोग चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसा वापस लौटा सकते हैं। I have no issues. Like an EMI? मतलब EMI? EMI नहीं, EMI। बताए बापू जी, लेकिन 18 लाख का कर्जा कैसे उतारेंगे? और कोई चारा भी नहीं, चारा ही खाना पड़ेगा। देखिए माया जी, मैं अपने पगार में से हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाते रहूंगा। ये डील माया को मंजूर है, आखिर सब माया है। मुबारक हो, मैं चलती हूँ। बाय बाय। महेश, इतना क्या सोच रहा है? कर्जा चढ़ गया लेकिन घर की काया तो पलट गई ना। बापूजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि माया पलट गई तो हमारा क्या होगा। अरे वो सब बाद में सोचना, पहले मेरा मुंह मीठा करा जल्दी से। जल्दी से? बाबूजी बाबूजी, मुंह मीठा जल्दी से नहीं होता है, मिठाई से होता है, मिठाई से।
महेश रॉकी जोकिंग जोकिंग से सजाया इस रूम को। हाँ,